अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, भाभी के रूम की हमने सेटिंग चेंज की थी, पेटियाँ वगैरह वहाँ से मैंने बोला था कि निकाल दें, तो निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट की थी हमने। तो उसमें भी कुछ सेटिंग जो की कुछ बहन भाइयों को पसंद नहीं आई, वो सेटिंग हमने ऐसी क्यों की है तो ये आप सारा इस वीडियो में देख सकेंगे। और मैंने सारा कुछ मेंशन किया है इस वीडियो में कि हमें किस मजबूरी के तहत जो है ना ये सारा कुछ करना पड़ा। तो बाकी कुछ बहन भाइयों की जो शिकायत थी वो इंशाल्लाह हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सेटिंग जिस तरह की बहन भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द हम लोग चेंज कर देंगे। अच्छा जी, मैंने एक बात क्लियर करनी थी आप लोगों से। हमने सेटिंग चेंज कर रहे थे जब वीडियो बनाई थी मैंने, तब हमने सेटिंग जिस तरह की है काफ़ी बहन भाइयों ने इस पे एतराज़ भी किया, काफ़ी बहन भाइयों ने इस चीज़ को पसंद भी किया है। काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि भाई वो जो आपने रखी है ना शोकेस, वो इस जगह पे ना रखें, इस जगह पे ये सेफ अलमारी रखें, और ड्रेसिंग जो है ना फिर इस तरह करें आप इधर रखें इस सेफ अलमारी की जगह पे। तो काफ़ी बहन भाई ये कह रहे थे, काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि भाई आप इस तरह ना करें। असल में ना हमने, हाँ जी अम्मी जी, जड़े असी पता ये पैमाइश असी की सी, जड़ी वो शोकेस है ना वो बहुत बड़ी आ, वो तो या सेफ अलमारी दोनों एक जगह ना नहीं आंदियां, नहीं आंदियां, अधे फुट का फर्क आ। ठीक है, असी मजबूरी तो इस तरह की थी, असी भी चाह रहे थे कि सेफ अलमारी तो शोकेस एक उधर चले जाने तो ड्रेसिंग इधर आ जाए, इधर फिर वो आंदा नहीं, ड्रेसिंग नहीं आंदा इधर, अगर ड्रेसिंग इधर कर दें उधर वो सेफ अलमारी नहीं आंदी, ये चीज़ आ। ठीक है ना, तो वो सेफ शोकेस जी है बहुत बड़ी है। ठीक है ना, इस करके असी कमरे में देखते हुए नुमाइश करके सैटिंग इस तरह की है कि सूफे दो इधर रख के, एक बड़ा सूफा इधर रख दिता वा, दरमियान से टेबल रख दिते आ, ते बाकी जड़ा है ना भाभी जी कह रही सी कि मैं समान लगाना वा वो बाद च लगा के अपना इंशाल्लाह। बाजी हमेरा कह रही सी, भाभी कह रही सी कि बाजी हमेरा भी अज भी फिर जड़ा वा ना लगाएंगे। बाकी वो ड्रेसिंग जड़ा उत्थे असी असली रख दिता वा मजबूरी के तौर पर, काफ़ी बहन भाइयों ने इतराज़ भी किया वा, हो सकता असी उन्होंने निकाल के इधर शिफ्ट कर दिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उत्तर कर देंगे। शोकेस परले कमरे च भी नहीं ना आती, नाल दे कमरे च हूँ इनू करिए कि एक हैगी बहुत बड़ी, ये पांच रखने वाली है ना। हाँ जी फिर भी नहीं आने, ये दोनों चीजा कट्ठिया नहीं आनिया। अच्छा ये सोफा इधर ला, इधरों भी ना बेड के नाल लाइए, चलो इदा कर देंगे। चलो हाँ जी चलो इदा कर लेंगे। मैं तो कहना कमरे च ना वो जड़ी दीवार च नहीं बनती अलमारी वो बनाई होवे, ठीक है ना, शीट वाली जी अच्छी वाली होंगी सोहनी वाली वो बनवाई होवे, ते आ रफड़ी मकाया होवे, आ हर चीज स्टोर च पई हो, बस बेडरूम ना सिर्फ बेडरूम बनाया जाए, बस और कुछ भी ना हो, कोई चीज ना हो। अच्छा जी हाँ जी, मैं घर की गल की थी, काफी बहन भाइया ने फिर कहा कि भाई तुम 20 बाय, हाँ जी काफ़ी बहन भाइयों ने कहा कि भाई तुम इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हो, क्योंकि तुम बेडरूम बना रहे हो, फिर एक स्टोर रूम तुम अलहदा बनाओ तो बाकी कमरे तुम छोटे रखो। चलो चलो इदा कर लांगे, ये बर्तन रखने तो पहले पहले हो जाए। हाँ, बर्तन करके
वैसे जितने बर्तन रख रहे उधर ये चीज सोहनी नहीं लगनी इतने कली पई और शोकेस नहीं वो फर्क नहीं है ना सेफ को नहीं ना आ रही सेफ नहीं सेफ ना आती दोनों नहीं चीजा है नहीं ना आदियां सामने ना दीवार ना यही तो मसला तो सामने सेफ ना दीवार ना किसी नहीं जगह आनी पर नहीं ऐसे कांदा ना ते ड्रेसर जितनी सेफ था जो लोकल निकल गए ड्रेसिंग वाली जगह पे इथे वाली जेड़ी सोफा खिंच के ते दरवाजे ना आ जाऊगा फिर सोना लगना एक फिर सोफा इथे भी रखे जावे तो कोई नहीं इतने नहीं सोना लगना। और दरबार बाथरूम दाड़ का बन ना दे हाँ जी चलो अच्छा भाभी जी हुणी आ जाण फिर देख के कर लेंदे आ। ते आ मैं उन्होंने हस रहा सी मैं क्या जेडे थोड़े मसेरी जी लगाई ना ये हुण किरण लग जानी है। हाँ जी चलो क्योंकि खिंचते धोंदे बैड इधर उधर करते ना ये अम्मी जी किरण लग जानी है ये फोम जी ही लगा वा। हाँ जी मैं क्या ये जड़ा वा ना ये हुण किरण लग जानी है। हाँ जी अच्छा ये अम्मी जी बंदा खुद भी कर सकता वा फॉर्म। हाँ जी वो बन के सोटियां ते वो डंडे जे ते वो ते नाल बंदा बन लेते। हाँ जी ये तो कोई मुश्किल काम नहीं ये बंदा कर सकता खुद ते देख लो इस चीज़ दे उन्होंने 10-12 हज़ार रुपया ले लिया। हाँ जी तजर्बा होंदा वा ना वो जड़ियां पुरानियां वो मेहंदी वालियां या दूसरियां लड़ियां सादा सी लड़ियां वाली अच्छा वो लड़ियां भी सोहनियां लगदियां लमकियां वो भी मम्मी जड़ी वो लगांदे होंदे सी ना वो भी बड़ी बड़ी प्यारी चीजां लगांदे होंदे सी। हाँ जी चलो बेहतर हो गया ते छुप जाती सी उधरों भी सोहनी वो लगती नेरा ही सी। हो जाता सी। हाँ तो ये फिर हुणा जाली जई है तो ओदा जाहो वैसे सिंपल निकलिया काम सोहना लगता वा वो हाँ बहुत ओवर जिहा हो जाता। अच्छा जी भी आज मशीन लगाई हुई है सारा दिन आज कपड़े धोए हैं ठीक है बच्चों के ये मेरे हो गए ठीक है सारा दिन बस यही काम आज होते रहे हैं। आप शाम हो गई है ये काम करते कराते इंशाल्लाह जी सेटिंग चेंज हो जाएगी दोबारा जो बहन भाई कह रहे थे कि भाई सेटिंग नहीं सही कोई तो इंशाल्लाह बाद में सेटिंग आप चेंज करेंगे ये भी चीज़ बदल देंगे। मोई साहब को देखने सारा दिन ऐसे ये घूमता फिरता रहता नहीं किसी की सुनता। पहले मेरे साथ क्या हुआ था अब मेरे साथ घर पे आया है मुझे कहता चाचू जी मुझे ना उठा लें पीठ पे ना जिन्हों असी बोलते हैं कि कनेड़ी कहना कनेड़ी चुक लो मैनू मैंने उठा लिया अब पीठ पे उठा के ना मैं इसे लेके आया था तो अब घर पे आया हूँ घर पे छोड़ा इसे आके फ़ौरन भाग गया वो उधर भाई जी लोग गए हैं भूसा लेने वो हेल्पर जो रखा हुआ है ना उसके सर पे रखवाने गए हैं। इस तरह का ये बंदा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह कान भी लगा देता वा छोटे छोटे प्याज अच्छा जी आ जी साड़ी हिबा वा ना ये मजा आ रहा जी किसी नूं इस फ्रंट वाली चारपाई ते नाल पै लैन देवे इन्हें फ्रंट से पै के टीवी देखना होंदा वा उस तो बाद इन्हें घंटा एक टीवी देख के फिर सोना होंदा वा फीडर पी के बाकी सारे पीछे बैठे अम्मी जी हुणी ने उस चारपाई से बैठ के टीवी देखना होंदा वा बाकी साढ़े जो कोई टीवी नहीं देखता भाभी आसिया भी देख लेंदे है ना बच्चे भी देखती देख हूँ यार लेंदे बहुत कम देखती हूँ अम्मी जी भी साड़ी जड़े है ना अम्मी जी शौकीन आ क्योंकि असं इस टाइम फिर अपने अपने वीडियो एडिट करनी होंगी अपने अपने कामों मसरूफ होंगे अम्मी जी उन्होंने फिर देखना होंगे असं बैठी दा वा आके फिर मतलब जे इस तरह कोई फ्री होंगे जाए अम्मी जी को आंदे जाइदा असं ते फिर चाय पी दी है बैठ के गपशप करी दी जिवें हुण असीं सारे बैठे हाँ भाई जवेद ते मोई साहब लेटे हुए आ। हाँ जी हमना भी इत्थे ही आ ते होर जिहड़ा है आ चौधराणी साहब साडी जिहड़ी आ छोटी ये किसी ने इत्थे टीवी दे अगे बैठन नहीं दिंदी ठीक है ना ते सुबह तो बल्कि अजे तक इहनू 3 छुट्टियां वा ना बिस्तरे च रखी है जी रात खानी
ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ ਮੂਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੂਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ ਸੋਹਣੇ, ਧੁੱਪ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਕੰਦਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਦੰਦ ਦੋ ਅਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਿਲ ਚਾਹ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਮਾਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਥਰਮਾਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਈਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਤਲ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀ, ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹੈਗੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਚੇੜੀ ਚੇੜੀ ਖਾਂਦੀ। ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੇ ਜੂ ਸਿੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਉਹ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ। ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੀਬਾ ਤੂੰ ਮੋਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੋਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਜੇ ਬੇਸਮਝ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ